अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड तो हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोड कमाना पड़ता है। पर बात करें सीक्वल से पहले थोड़ा दंगल का जो फैक्ट हम चेक कर लीजिए। अब बता दें इंडिया के लिए कई ज्यादा ओलंपिक्स, अगर हम बात करें गोल्ड आने का सपना हर किसी का होता है। इसी के साथ महावीर फोगट ने अपने बच्चों द्वारा ही सपना पूरा करने को सोचा, लेकिन जब उन्हें लड़का नहीं हुआ तो उन्होंने अपने सपनों को पूरा करते हुए अपनी बेटियों में ही ये देखना शुरू कर दिया। और बता दे गीता और बबीता ने उनका सपना पूरा भी किया। अब बात करें दोस्तों अपनी लड़कियों को, हर जैसे उन्होंने लड़कों जैसी रेसलिंग और ट्रेनिंग सिखाई, उन्हें फीमेल रेसलर्स ना होने की वजह से उन्हें मेल रेसलर्स के साथ ही उनकी ट्रेनिंग करवाई। अब बात करें समाज से भी उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई की और पहलवानी उन्हें सिखाई। पर बात करें दोस्तों बाल भी कटवाए और जो ट्रेनिंग थी वो भी काफी ज्यादा कड़क थी। पर क्या स्टोरी सच है? अब बता दे दोस्तों काफी ज्यादा आपने इंटरव्यूज और टॉक शोज में उन दोनों को तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो स्टोरी है ये रियल है? आपको बता दे ये स्टोरी पूरी तरह से सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको फिल्म में दिखाया गया है कि महावीर फोगट की कोई मेल चाइल्ड ना होने की वजह से उन्होंने अपनी बेटियों को ही रेसलिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में वो बेटा ही चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। और आपको बता दें कि रियल लाइफ में भी महावीर फोगट का एक बेटा है, यानी कि फिल्म की कहानी शुरुआत से ही गलत थी। महावीर फोगट की बात करें तो उनके बेटे का नाम दुष्यंत फोगट है और उन्होंने भी रेसलिंग को ही अपना करियर चुना है। और फिल्म में दिखाया गया है कि महावीर फोगट ने अपनी बेटियों के अंदर की बात करें तो रेसलिंग की क्षमता देकर, उन्हें लड़ता देखकर उन्हें रेसलर बनाने का जो फैसला है वो किया है, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, महावीर फोगट ने अपनी बेटियों से प्रेरित होकर नहीं बल्कि करनाम महेश्वरी यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जो ओलंपिक्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी बेटियों को ये इंस्पिरेशन दी और उनको ये बनाने का फैसला किया। अब जो बात आ रही है फिल्म की यानी कि दंगल टू की, तो क्या आने की फिर जो रियल स्टोरी है के नाम पर ऑडियंस देखना पसंद करेगी, या फिर वो सोचेगी कि एक है इमोशनल ड्रामा? क्या फोगट सिस्टर्स की रियल स्टोरी काफी ऑडियंस को सिनेमा के लाने के लिए मजबूर कर पाएगी? क्या जरूरी है फिल्म में मसाला, यानी कि कैसा होगा फिल्म में तड़का? क्या इस बार रियल होगी दंगल टू की रियल स्टोरी? ये तो वक्त बताएगा। मतलब स्वाद का क्या कहना है मैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊँ। और बाकी वीडियो को बने रहिए, देख रहे हैं।